नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। सिलचर में असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं की बैठक। असम गण परिषद कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। हम उनकी वफादारी, विश्वास और पार्टी के प्रति अटूट प्यार से प्रभावित हैं। जमीनी कार्यकर्ता ही पार्टी के आधार को अस्थायी रूप से मजबूत कर सकते हैं और क्षेत्रवाद की एक नई लहर में योगदान दे सकते हैं। मैं इस संदेश के साथ आज की बैठक में उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि वे एकजुट होकर बराक घाटी में जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को जारी रखें। असम गण परिषद के अध्यक्ष और कृषि मंत्री अतुल बोरा ने शनिवार को सिलचर स्थित राजीव भवन में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात कही। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए असम गण परिषद राज्य के प्रत्येक जिले में इस तरह की बैठकें कर रही है। সন্মিলন অনুষ্ঠিত হল করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহ দলের কর্মকর্তাসকলক লৈ আজি ইয়াত আছে, আজি শিলচরত আছে। এই লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহর কর্মকর্তাক লৈ জেলা সমিতিও আছে, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সকল, পঞ্চায়েত ভিত্তিত থাকা আমার আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সকল, দলের তৃণমূল কর্মী আছে। তৃণমূল কর্মী সকলের উৎসাহ দেখি আমিও অভিভূত হয়েছো আর উৎসাহিত হয়েছো। আপনাদের জানে যে একটা সময়ত গণ পরিষদ দলের কেবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত MLA আছিল আর ইয়াত সবল ভেটি এটা আছিল। আমার বিশ্বাস যে দলের সেই যে শিপা আছে সেই শিপাত সার পানি দিয়ে দলটুক শক্তিশালী করবলে কর্মকর্তাসকলে কাম করেছে। এনে গতিত যদি এনে ধারাবাহিকতা যদি অব্যাহত রাখে অনাগত দিনত যিকোনো নির্বাচনের মুখামুখি হলে গণ পরিষদ দলে জয়লাভ করবলে সক্ষম হব। আমি রাজ্যখনের বিভিন্ন প্রান্তত এনেদরে বিশেষ কর্মী সম্মিলন অনুষ্ঠিত করেছো, লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত, তারপর বিধানসভা, আমি তৃণমূললৈকে যাম। গতি ইয়ারে একটা অংশ আজির এই বিশেষ কর্মী সম্মিলন। নাই, আমি কোন লোকসভা সমষ্টির পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি সেই সম্পর্কে আমি কোনো সিদ্ধান্ত এতালেক লওয়া নাই, কারণ আমি পর্যায়ক্রমে কলিয়াবর আরম্ভ করে বিভিন্ন লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত এনে ধরনের বিশেষ কর্মী সম্মিলন অনুষ্ঠিত করে আইসো। আর প্রতিখন কর্মী সম্মিলনতে কর্মী সকলের যে উৎসাহ, পয়া নোপার বেদনা পাহরি যে উৎসাহে কাম করেছে বা কাম করবলে ওলাই আছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গণ পরিষদ দল অনাগত দিন আরও অধিক শক্তিশালী হবে। কংগ্রেসে 11টাই লোক, 12টাই লোক বিশ্বাস নাই। কংগ্রেস স্বাধীনতা অনা দল, বহুদিন ক্ষমতা আছে। কংগ্রেসের দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অপকর্মের বাবে 16 চনত রাজনৈতিক পরিবর্তন আহিল, আর যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশীদার গণ পরিষদ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরের নেতৃত্ব, রাজ্যখনের যে সরকার আছে আর এই সরকারখনে রাজ্যখনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কারণে যা 2টা বছর যিমানখিনি করেছে আর ভবিষ্যতের দিনের কারণে যে বৃহৎ পরিকল্পনা করেছে, রাইজ ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোটের লগত থাকিব, কংগ্রেসের সেই দলকেটার মধ্যে মিত্রতা থাকিব। कछार जिले में कुल 42 सरकारी कार्यालयों को आगामी सिलचर नगम निगम चुनाव 2023 के लिए फोटो मतदाता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के सुचारू संचालन के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में चुना गया है। एक परिपत्र में बताया गया कि अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन 8 मई को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से 29 मई तक किया जाएगा। कामरूप ग्रामीण जिले की जिलाधिकारी कीर्ति जल्ली सरकारी अस्पताल का दौरा करने के दौरान नाराज हुई। डॉक्टर साहब, आपको इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब तक काम में सुधार नहीं होता तब तक आपकी तनख्वाह रोका जाएगा। कामरूप ग्रामीण जिलाधिकारी कीर्ति जल्ली ने डॉक्टर को इस तरह डांटा। नाराज जिलाधिकारी कीर्ति जल्ली ने कामरूप जिले के एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया। ज्ञात हो कि जिलाधिकारी कीर्ति जल्ली ने कछार जिले के जिलाधिकारी के रूप में अपने अच्छे कार्यों के चलते ख्याति और लोकप्रियता बनाई थी। कछार के लोग आज भी उनकी कार्यकुशलता की सराहना करते हैं। नेक्स्ट 6 महीने पकड़िएगा, जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे हम सैलरी तो नहीं छोड़ेंगे। लगे जेडी साहब तो अपना बेसिक हो वायरस क्या उनके लिए है तो अपना कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे हॉस्पिटल का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, तुमको प्रॉब्लम है मतलब ही नहीं है? পানি
ठीक है सर, ईमान वैसे सुनाए। हम सुनाए उसी टाइम पर इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? आज सिंगीपानी मॉडल हॉस्पिटल आम डायलिसिस मशीन आरम्भ कोकोला कंपनी जे स्पन्सर करिले मैं इतना चालू कि कुनबा कारणों कारण अलग माने आमार फुल सर्विसेज आरम्भ हुआ ना। मैं सकलो राइजके अनुरोध करिम भाबि आसिलो सकलो राइजके माने जनाइसिलो कि होमवारर पोरा डिलीवरी आरम्भ हबो आमार हिंगिमारी पॉइंट ओपीडी डिलीवरी गुटेकिनि फ्री सर्विसेज जे सरकार दि आसे गुटेकिनि आपुनि पाबो आपुनि इयात आहिबो पारे। एतिया ये कोविड हॉस्पिटल नाइ कोनो इन्फेक्शनर चान्सो नाइ तो आपना कोनो भय खाबो ना लागे आपुनि बेसी दूर हॉस्पिटल जाबो ना लागे इयात सराउंडिंग जे राइज आसे तेक स्पेशली मय कय आसु आपुनि डिलीवरी बा चेकअप बा गुटेकिनि सर्विसेज इयाते फ्री मते पाबो मंडे पोरा आरम्भ। कृषि एवं पशुपालन तथा सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने शुक्रवार को सिलचर में विभिन्न सरकारी संस्थाओं और परियोजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कछार जिलाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार दोपहर बैठक हुई। बराक घाटी के कछार करीमगंज और हैलाकंदी जिले के कृषि बागवानी पशुपालन और पशु चिकित्सा डेयरी विकास सीमा सुरक्षा और विकास विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सिलचर पहुंचने पर मंत्री अतुल बोरा ने घाटी के तीन जिलों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में मंत्री बोरा ने प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाजरा मिशन कृषक ज्ञान केंद्र निर्माण योजना सहित विभिन्न योजनाओं के वर्तमान क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने बराक घाटी के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के तहत पशु टीकाकरण अभियान पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान और अन्य सहायक पहलुओं की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की। कसार करीमगंज और हाइलाकंदी एग्रीकल्चर हर्टिकल्चर एनिमल हजबेंडरी भेटेनरी और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जिसमें रिव्यू मीटिंग अंश ललो तो आज यार पीछे आम करीमगंज जा करीमगंज आम एन कर्मकर्ता सम्मिलन करीमगंज ये दो लोकसभा समस्ि बराबर दूटा लोकसभा समस्ते आम मीटिंग करम कल कासार हम आज करीमगंज करीमगंज जिक विधानसभा समस्क लोकसभा समस्ि गठन से लोकसभा समस्ि अंतर्गत दल कर्मकर्तर बैठक मिलित हम और अहकाल कासार मिलित हम आमार उद्देश्य हो दल संगठन शक्तिशाली कर और आम एने कलियाबर लोकसभा समस्ि के आरम्भ कर राज्यों 14 लोकसभा समस्ि एने कर्मी सम्मिलन अनुषित कर मंत्री पीयूष ने मानिकपुर के नदी कटाव का निरीक्षण कर जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया। डैम निर्माण के लिए जमीन दी लेकिन जमीन के मालिक जमीन के मुआवजे से वंचित हैं। बौरखला विधानसभा क्षेत्र के मानिकपुर राजनगर क्षेत्र के लोगों ने यह शिकायत की है। गुरुवार को जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने मानिकपुर में नदी कटाव का निरीक्षण किया। उनके अनुसार कई नदी किनारे के निवासियों ने पहले से ही तट रक्षण के लिए बांधों के निर्माण के लिए अपनी भूमि का हिस्सा दे दिया है। लंबे समय तक स्थानीय लोग नदी में बांध निर्माण के लिए संबंधित जनप्रतिनिधियों और विभागों को आवेदन दे रहे हैं लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है। जल संसाधन मंत्री ने विभाग में नदी के कटाव को रोकने के लिए परियोजना शुरू की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सिलचर जल संसाधन विभाग की ओर से
लापरवाही के कारण उनके देय धन से वंचित किया गया और काम नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर 2022 को पूर्व विधायक किशोर नाथ ने 6,47,12,000 रुपए की लागत से मानिकपुर राजनगर बांध निर्माण का शिलान्यास किया था, लेकिन जमीन के लिए काम बंद है। इस दिन मंत्री ने कटाव का निरीक्षण किया और जिलाधिकारी को आदेश दिया कि भू स्वामियों को जल्द उनका मुआवजा दिया जाए, साथ ही विभागीय अभियंताओं को काम शुरू करने का निर्देश दिया। নিজের জমিন আমরা 12 জনে গিয়া ডিসির অফিসে গিয়া সেটেলমেন্টের লগে গিয়া আমরা আধার কার্ড এর বাদে আমরা অ্যাকাউন্ট আমরা ইয়ে দিয়া আর জমিনের দাখলটা দিয়া 3 মাস হয়ে গেছে গিয়া আমরা ডিসি জমিন গভর্নমেন্টও তারা অ্যাকসেপ্ট করছে বলি আমরা নোটিশ দিছে ও একটা নোটিশ লগে আমরা আমার আমরা কাছে আইছি মন্ত্রী এই জন্য ওখান দেখাইতাম চাইছি মন্ত্রী তো দেখলা না, তবে আমরা আশা করি এখন একটা কাজের ব্যবস্থা হইব। বিজেপি প্রাইমারি কর্মী আমরা যে মন্ত্রী যে আশ্বাস দিয়া গেছুন এই আশ্বাসটা যদি আমরা পুরাপুর আমরা সফল হই তে নেক্সট ডেতে পঞ্চায়েতে গিয়ে লাগাইয়া এমপি এমএলএ পর্যন্ত আমরা বুট পাক্সর মাধ্যমে এখান প্রমাণ দিয়ে দেখাই দিব আমরা যদি কাজ করিয়া দিই। মায়রা ক্রিয়েশন মায়রা এনজিও কে মিস এন্ড মিস্টার ইভেন্ট কো জবরদস্ত রেসপন্স মিলা। मॉडलिंग की दुनिया में जगह बनाने के लिए काफ़ी टैलेंट की ज़रूरत होती है। प्रशिक्षण के अलावा मॉडलिंग करियर को बेहतर बनाने के लिए माता पिता की प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गुरुवार को सिलचर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मायरा क्रिएशन और एनजीओ मायरा की निदेशक और आयोजक डॉक्टर स्मिता देव ने कहा कि मिस एंड मिस्टर बराक नेशन वाइड के तीसरे संस्करण का आयोजन 4 अप्रैल को सिलचर बंग भवन में किया गया था। मिस मिस्टर मिसेज मिसेस टीन्स किड्स कैटेगरी में प्रतियोगिताएं और प्रदर्शन आयोजित किए गए। हैलाकांदी के कलाकार सुनंदा नाथ ने इस दिन गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नमस्कार, आमार नाम डॉक्टर स्मिता दे। आमी एनजीओ मायरा और मायरा क्रिएशन तरफ थेके शिलचर बोराक भेलीते एक फैशन शो कंडक्ट करेछिलाम 8 अप्रैल যেটার নাম ছিল মিস অ্যান্ড মিস্টার বরাক নেশন বাইড। আর ওই প্রোগ্রামের প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির উইনার্স আমার সাথে এখানে আজকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের রাউনার শেষে পড়ে। আমি এটা বলতে চাইবো যে আপনারা আমাকে এত সম্মান দিয়েছেন, মিডিয়া ফ্রেটার্নিটি আমাকে আজকে ইনভাইট করে আমার প্রোগ্রামের বিষয় আমি কিভাবে কাজ করি ওইটা জানতে চেয়েছেন, ওটার জন্য আমি খুবই থ্যাঙ্কফুল। আর আমার যেটা চেষ্টা বা আমার টিমের যেটা কাজ ওইটা সবার কাছে আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া তো পৌঁছাবে না, তো ওটার জন্য আমি আরেকবার থ্যাংক ইউ বলতে চাইব। কীভাবে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট করতে হয়, আরও যে ভোকেশনাল অ্যাভিনিউসগুলো রয়েছে ওইগুলোর সম্বন্ধেও আমি ওদেরকে একটা নলেজ বা ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার চেষ্টা করি। তো এটাই বলতে চাইব যে আমার ফ্যাশন শোতে আমি ট্রাই করি যে যতগুলো বাচ্চারা আসে সবাই এখান থেকে কিছু না কিছু একটা শিখে যাও, সবাই একটা স্যাটিসফাইড একটা মনে এখান থেকে যাও। আর আমার চেষ্টা থাকে যে আমি এই কাজটা প্রত্যেকটা রিজনে গিয়ে করি। আমার আগামী শো আমি আপার আসামে করছি আর পোস্ট ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে ভোলাঘাট। তো সেখানে আমি চাইবো যে বরাকবিলের যারা উইনার্স আছে ওরা ওখানে আসুক আর এদের মুখ থেকে ওরা শুনুক যে ওরা কী কী শিখতে পেয়েছে এই মঞ্চ থেকে, কতটুকু ওরা এগিয়েছে। আর আপনার कछार जिलाधिकारी रोहन कुमार झा ने गुरुवार को जलालपुर प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। पश्चिमी काठीगोरा की सीमा पर स्थित जलालपुर अस्पताल में लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त है या नहीं इसका जायजा लिया। उसी दिन जिलाधिकारी अस्पताल पहुंची और प्रभारी डॉक्टर सुमन भौमिक और BPM बुरहानुल हक चौधरी और अन्य के साथ बैठक कर अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की।
साथ ही उन्होंने अस्पताल के ढांचागत विकास पर चर्चा सहित अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली। इस बीच जिलाधिकारी की उपस्थिति को भांपते हुए स्थानीय लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे और जिलाधिकारी से शिकायत की कि जब भी गर्भवती माताओं और बच्चों के साथ अस्पताल आते हैं तो डॉक्टर और नर्स हमेशा उपलब्ध नहीं होते। इसके अलावा स्थानीय निवासियों ने जिलाधिकारी के हस्तक्षेप की मांग करते हुए आवश्यक उपाय करने की मांग की। तो अभी हम बाउंड्री वाल नहीं है तो कौन रोकेगा कुकुर को? बेड में भी जाते हैं। बेड में कहाँ फोटो है? फोटो तो नहीं है सर, वो तो आज पहले से मिलते हैं। मतलब फोटो लेके रखे सर? ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम आपको दे देंगे सर। अभी तो हम पेंशन लेने लगा दे रहे हैं। बीपीएससी देखने आए थे, ब्लॉक ये ब्लॉक मेरा छूटा हुआ था जब से हम ज्वाइन किए हैं, तो देखा सारा जो यहाँ का जो घर का स्थिति है। थोड़ा हम लोग कोशिश करेंगे लोकल MLA MP को रिक्वेस्ट करके, अगर MLA लैट्स MP लैट्स से कुछ पैसा निकाल सकें ताकि यहाँ के जो GNMs फार्मेसी डॉक्टर्स का घर है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। और बाकी जो पब्लिक कंप्लेन था कि ऑफिस नहीं खुलता, उसके लिए हम BPM को डायरेक्शन दिए हैं कि परसों मेरे पास वो CCTV का फीड लेकर आएगा। अगर नहीं खुलता ऑफिस तो जिसके पास प्रति जो कार्रवाई होना है वो कार्रवाई होगा। तो यहाँ पे दो डॉक्टर हैं, एक वन ईयर है और एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर सर। और एक पब्लिक कंप्लेन है कि यहाँ पे दलाली चल रहा है बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट। जी वो वही वही अभी बोला कि वो नहीं होना चाहिए। हम जितना अभी कितना पेंडिंग है बर्थ डेथ सर्टिफिकेट हमारा? ऑफलाइन तो अभी तो मैंने ऑफलाइन का है नहीं तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो जो है पुराना बंद हो गया, पेंडिंग नहीं है। जो पुराना है उसको छोड़िए, आप जो आप बस ये इंश्योर कीजिए कि जो आपको ऑफलाइन मिलता है ना वो एक दिन के भीतर वो डिजिटाइज कर दें। अगर ये हो जाएगा तो फिर हम लोग पकड़ लेना चाहिए। पेंडिंग कितना ज़्यादा है क्या पेंडिंग? कहाँ है वो दोनों? बदरपुर में गर्मी से बचने के लिए तालाब में उतरी दो बच्चियों की जल समाधि हो गई। भीषण गर्मी से बचने के लिए तालाब में उतरा तो था लेकिन दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। भीषण गर्मी से स्कूल से लौटने के बाद दो बच्चियां तालाब में पानी में भीग कर गर्मी से राहत पाने की उम्मीद में गई थी लेकिन दिल दहला देने वाली घटना हो गई। मंगलवार दोपहर बदरपुर के दरगर बाजार के समीप नया पाटन गाँव में हुई। दो बच्चियाँ जो आपस में दोस्त थी, रुस्ताना बेगम उम्र 14 वर्ष और नाजिरा बेगम 10 वर्ष, एक साथ स्कूल से लौटी और घर के सामने बने तालाब में नहाने चली गई। जब खोज शुरू हुई, काफी तलाश करने के बाद तालाब में 200 तैरते हुए पाया गया। खबर बदरपुर थाने पहुंची। बदरपुर थाना प्रभारी सोमेश्वर कलवार अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने दो शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज सिविल अस्पताल भेज दिया। दो बच्चों में से एक नजरुल इस्लाम की बेटी रुस्ताना बेगम और दूसरी नया पाटन गांव के हारून अली की बेटी नाजिरा बेगम है। दो बेटियों की दर्दनाक मौत से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। धोलाई में बर्मी सुपारी समेत 5 बड़े और छोटे वाहन जब्त किए गए, 7 को हिरासत में लिया गया। तस्करी के नए तरीके का इस्तेमाल कर बर्मी सुपारी की तस्करी करते हुए धोलाई पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। इस बार तस्करों ने कार के इंजन वाले बोनट की खाली जगहों को चुना। फिर बोरियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती, एक साथ 3-4 जगह पर बोरियां भरी गई। धोलाई पुलिस ने मंगलवार को इस तरह से रखे 3 छोटे वाहनों से बर्मी सुपारी बरामद की। धोलाई पुलिस ने पिछले 24 घंटों में गेट पर रूटीन चेकिंग ड्यूटी के दौरान एक अल्टो, 2 सेंट्रो, एक क्रूजर और एक स्कूटी से भारी मात्रा में बर्मी सुपारी बरामद की। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तलाशी के दौरान 1545 किलोग्राम बर्मी सुपारी जब्त की गई। चालक दिल मोहम्मद बरभैया निवासी धोलाई इस्लामाबाद, सैदुल हुसैन लश्कर निवासी सोनाई बेराबाग द्वितीय ब्लॉक, राजू हसन बरभैया निवासी लोकनाथपुर दक्षिण धोलाई, एकुश निवासी मृणाल हुसैन नारायणपुर दक्षिण धोलाई के रहने वाले शामिल हैं। भागा बंगराम निवासी हक चौधरी और अफजल हुसैन लश्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। CNN 24 की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।